हाय व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेनबो राइस, इसे रिमल राइस भी बोलते हैं, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैंने खुद बनाई है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएँ। जी, ये सैलेड सबसे पहले मैंने बनाया है, और सैलेड में प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नमक डाल के मैंने इसको रख दिया था। फिर धो के तो मैंने इसको सैलेड को रख दिया, और 6 अंडे लिए और उनको मैंने बीट कर लिया। उसमें नमक, काली मिर्च और सुर्ख दादर की भी मिर्च डाल दी, और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई मैंने इसको ग्रैनुअल्स की उसमें की शेप में करना है, और इसको हार्ड फ्राई करना है, लाइक ग्रैनुअल्स बनाने हैं। ठीक है, ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब फ्राई करने के बाद ये देखें, ये इस तरह मतलब कर लेना है मैंने, और 6 एग्स लेने हैं, और मैंने चावल भी भिगो दिए हुए हैं। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही कीमा है, मैंने कीमा भी भूनने के लिए रख दिया हुआ है। और ये राइस जो है, ये देखें आप कि मैंने राइस के लिए एक पैन में ऑयल और ज़ीरा डाल के उसमें, और ज़ीरे के साथ मैंने सूखा धनिया और नमक भी डाल दिया, और उसमें पानी डाल के मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई करके उसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया। फिर मैं राइस उसमें ऐड कर दूँगी, चावल ऐड कर दूँगी, और साथ साथ मैंने ये चावल के साथ साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे मैंने कीमा जो है वो भी भूनने के लिए रखा हुआ है। इसका पानी मैंने सारा खुश्क कर देना है, ये ड्राई बिल्कुल भूनना है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और ये राइस में मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, और एक आपको यूनिवर्सल कह लें टिप है कि राइस के ऊपर एक पोर जो है वो बस पानी के ऊपर हो, तो चावल नए हो या पुराने हो बहुत मज़े के पकते हैं। ये देखिए जी, कीमा भी मैंने भून लिया है और इसका पानी खुश्क कर लिया है, और अब चावलों को दम पे रखने लगी हूँ। मैंने ज़रदा रंग थोड़ा सा डाल दिया है, और एक लेयर मैंने चावलों की लगा दी है एक डिश में, और उसके ऊपर मैं अब कीमे की एक लेयर लगाऊंगी, थिन नहीं, थिक लेयर लगाऊंगी। और रेनबो राइस में आप डिफरेंट फूड कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चे चूँकि खाते नहीं हैं फूड कलर शौक़ से, इसलिए मैंने सिर्फ ज़रदा रंग ही डाला है। ठीक है, अब कीमे के लेयर के बाद मैं फिर राइस की एक लेयर लगा दूंगी। राइस की एक लेयर लगाने के बाद उसको प्रॉपरली लगा के फिर मैं अंडे जो हैं वो डाल दूंगी। अंडों की एक लेयर लगा दूंगी, और अंडों की लेयर लगाने के बाद मैं फिर एक राइस की ऊपर लेयर लगा दूंगी, और उसके ऊपर मैं सैलेड की लेयर लगा दूंगी। और एक और बात कि मैं जब भी ये लेयर्स लगाऊंगी, मैंने प्रेस ज़रूर करना है इसको। प्रेस जितना अच्छा प्रेस करेंगे आप, उतना अच्छे ये राइस बनेंगे। तो ये लेयरिंग वाले राइस होते हैं, रेनबो राइस इन्हें कहते हैं। आप उसके ऊपर मैंने जब लगा दी है वो सैलेड की, फिर ऊपर केचप की एक पूरी लेयर लगा दूंगी, और ये केचप की फुल भर के सही आपने ठीक ठाक लेयर लगानी है। उसके ऊपर फिर राइस की लगा के फिर कीमा जो मेरे पास है वो लगा दूंगी, फिर उसके ऊपर मैं कवर कर दूंगी सारा राइस के साथ, पूरा मैंने राइस के साथ इसको कवर कर दिया है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत मज़े का ये मैंने अपनी, हमारा भाई मील है ये, हमारा खाना आज का यही है। और देखें, इसके साथ मैंने रान रोस्ट भी की है, लेकिन रान रोस्ट का आपको नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में आपको रान रोस्ट का तरीका बताऊंगी, आप उससे भी इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, और आप घर में खुद से भी इजीली बना लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, हमने केक की तरह ये राइस को हमने कटिंग करना है, मतलब रखना है, और इसको आप 3 मिनट के लिए अगर आप ओवन में रख दें तो वो बेक टाइप भी हो जाता है, ये केक की तरह हमने सर्व करना है। ठीक है, ये देखें, आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, कीमे की, सैलेड की, केचप की, ये सारी लेयर्स हैं, और ये आप इस तरह सर्व करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, खाना बहुत मज़े का आपको लगेगा। आप ये ज़रूर ट्राई करें, आप सारी ज़िंदगी ये बहुत मज़ा आपको इसका, आप कहेंगे कि भी बहुत मज़े का ये भी रेसिपी बताई गई है, और इंशाल्लाह। और ठीक है, इंजॉय करें अपना मील, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।